आगे बढ़ते हैं। तेरी खुशबू, तेरी मस्ती, तेरी हया, तेरा सुकून, तेरी खुशबू, तेरी मस्ती, तेरी हया करुणा, तेरा सुकून, तेरी शांति, नहीं कोई छीन सकता ले, नहीं कोई छीन सकता है, नहीं कोई छीन सकता है, भले खुद मौत भी आए। अब प्रश्न ये होता है कि मृत्यु सब कुछ ले जाएगी, सब कुछ ले जाएगी, लेकिन मैंने कहा है कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो मृत्यु नहीं छीन सकती। मौत नहीं छीन सकती इसे, तेरी खुशबू, तेरी खुशबू को मृत्यु नहीं छीन सकती। किसकी खुशबू? ये तो सब प्रतीकात्मक भाषा है, पुण्य की खुशबू। मृत्यु तेरे पुण्य को नहीं छीन सकता, इतनी ताकत नहीं है मौत की कि तेरे पुण्यों को छीन ले, वो तो तेरे साथ आने वाला है। तेरी खुशबू, तेरी मस्ती, जो आनंद रूप है तेरा, उसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, तू सिगरेट फूंक रहा है और कोई सिगरेट खींच लेगा ना, लाल बबूला हो जाएगा तू, तो और सब छीन जाएगा, तब क्या करेगा, लाचार बेचारा हो जाएगा। तेरी खुशबू, तेरी मस्ती, तेरी हया करुणा, तेरे हृदय में जो दूसरों के लिए करुणा है, मृत्यु उसे नहीं छीन सकती, वो गुण ऐसा है तेरे साथ आएगा। तेरी खुशबू, तेरी मस्ती, तेरी हया, तेरा सुकून, तेरी शांति है, उसे मौत नहीं छीन सकती। तेरी खुशबू, तेरी मस्ती, तेरी हया, तेरा सुकून। सोक्रेटिस को जहर देने में कुछ क्षण बाकी थे, जहर जो घोल रहा था, जिसको वो काम सौंपा था, उसको पता था कि बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे बंदों को दुनिया जल्दी मार देती है। वो देर लगा रहा था जहर घुटने में, देर लगा रहा था। सोक्रेटिस ऐसे ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर, बड़ी शांति से चल रहा था। एहसास होता था कि साक्षात सुकून है, साक्षात सुकून यहां चल रहा है, टहल रहा है। जहर घोंटने वाले ने पूछा, आपको डर नहीं लगता है? सोक्रेटिस ने कहा, मेरे डर की बात छोड़, तू देर क्यों लगा रहा है ये बता। बड़ी शांति से कहा, तो मेरा कहना ये है, तेरी खुशबू पुण्य की खुशबू, तेरी मस्ती आनंद, तेरी हया तेरी करुणा, तेरा सुकून, नहीं कोई छीन सकता है, भले खुद मौत भी आए, नहीं कोई छीन सकता है, भले खुद मौत भी आए, स्वयं मृत्यु भी आ जाए, ये चीजों को नहीं छीन सकती। इसलिए मैं बार बार जोर देती हूँ सुकून पर, आनंद पर, मस्ती पर।